एक्वा स्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वा स्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। तो आइए अब इसी विषय में हम तमिल सेल्वन जी से बात करेंगे और आज के कार्यक्रम का बारे में हम इनसे जानते हैं। अन्बु तमिल उरवुगल अनैवरुक्कुम इनिय काले वणक्कम। इन्று पसुम्पोन मुत्तुरामलिंग तेवर ऐया उडैय सिरंदनाल। तमिल उरवुगल अनैवरुक्कुम इनिय काले वणक्कम। इन्று मावीरर पसुम्पोन मुत्तुरामलिंग तेवर ऐया उडैय சிறந்த தினம் இன்று அக்டோபர் 30. அக்டோபர் 30 1908 பசும்பன் கிராமத்தில் பிறந்த தேவரையா அவர்கள் 1963 வருடம் இதே அக்டோபர் 30 தேதிதான் இந்த மண்ணை விட்டு நீங்கினார். ஆனால் அவர் இருந்த காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வீரராக விளங்கினார். எடுத்துக்காட்டாக நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களுடைய இந்திய தேசிய இராணுவத்திற்கு தமிழகத்திலிருந்து அதிகமான வீரர்களை அனுப்பிய மகா வீரர் அவர். அவர் அடிக்கடி சொல்லும் வார்த்தை ஒரு மாவீரன் என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், அவன் கழுத்தில் விழக்கூடிய மாலைக்கும் அவன் கழுத்தில் விழக்கூடிய தூக்க கயிறையும் ஒன்றாக மதிக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும், அவனே சிறந்த மாவீரன் என்று அவர் அடையாளம் சொல்வார் எப்பொழுதும். அதேபோல இந்த உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு கடவுளுக்கு நேர்த்திக்கடன் கொடுப்பதைப் போல பால் குடம் எடுப்பது, அழகு குத்துவது, முளைப்பாரி எடுப்பது, முடி காணிக்கை செலுத்துவது, ஊர்வலமாக செல்வது என்று ஒரு கடவுளுக்கு எப்படி நேர்த்திக்கிறார்களோ அதுபோல மனித கடவுளாக வாழ்ந்த இந்த பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவருக்கு மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலேயே நேர்த்திக்கடன் செலுத்தக்கூடிய ஒரு மகத்தான மனிதராக வாழ்ந்திருக்கிறார். தான் இருக்கும் பொழுதும் தேசியம் தெய்வீகம் இரண்டையும் தன்னுடைய கண்களாக பாவித்து சாதி மத சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை உடைத்தெறிந்து தன்னுடைய வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய ஜமீன்தாராக இருந்தவர், தன்னுடைய வாழ்நாளிலேயே தன்னுடைய நிலத்தை ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாய மக்களுக்கு வள்ளலாக வாரி கொடுத்து இந்த தமிழ் உலகம் இருக்கும் வரை, இந்த மண் இருக்கும் வரை அவருடைய புகழ் என்றென்றும் நிலைத்து இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. வாழ்க பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரையாவுடைய புகழ். நன்றி. பொதுச் செயலாளர்
आइए अब इसी विषय में हम गणेशन जी से भी जानते हैं। ये अनबू निंजन गले आप सबको मालूम है कि पशुमबोन मुत्तुरावलिंग देवल का आदि जो है उनका जन्मदिन भी है। वो एक महान व्यक्ति थे, वीर भी हैं। उन्होंने हमेशा बोले कि एक वीर कैसा रहना चाहिए और उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हिंदुस्तान के अंदर में आज के दिन उनका बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और उनको आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आदमी भगवान को छोड़ के दूसरा किसी के लिए ये पालगुड़ा उठाना, ये मंगल के बनाना, गढ़ा उठाना, सारा किस्म का हिंदू धर्म में जो भगवान को जो करते हैं वो सब जो है उनके लिए करते हैं और उनका जो है सम्मान जो है लोग करते हैं और हमेशा जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही मान किया है। आज उन जन्मदिन पर मैं उनको महावीर जी श्री मुत्तुराम जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आइए अब इसी विषय में वार्ड नंबर 10 के काउंसलर मंगेकरेशी जी मैम से भी हम जानते हैं। அனைவருக்கும் வணக்கம். முத்துராமலிங்க தேவரது அவரது பிறந்த நாளை இன்று சீரும் சிறப்புமாக நமது புக்களத்தோர் சார்பாக அனைவரையும் அழைத்து மிகவும் சிறப்பாக மிகவும் சிறத்தையாக செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவருக்கும் மரியாதை செலுத்தியிருக்கிறார்கள். மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. நன்றி, வணக்கம். इसी विषय में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट उदय जी से भी हम सभी का नमस्कार। आज मुत्तुरामलिंग तेवर जी का जयंती है और आज जन्म दिवस भी है, पुण्य तिथि भी है मुत्तुरामलिंग देवर जी का। मुत्तुरामलिंग देवर जी 1908 में यही दिवस में जन्म हुआ था। उनका पशुमन एक ग्राम है तमिलनाडु में और उसने बहुत ही देशभक्त था और देवभक्त भी था। उसने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ मिलकर बहुत सारे लड़ाई किया था इंडिपेंडेंट के लिए। और मुत्तुरामलिंग जयंती देवर जी जो एससी ग्रुप है उन लोग को जब मंदिर के अंदर अनुमति नहीं था में उसने सभी को अनुमति देने का घोषणा किया था, मगर वहाँ के लोग उसको ऑब्जेक्शन किए थे। तो मुत्तुरामलिंग देवर ने सभी छोटे जात वाला को लेके अंदर में घुसकर सबको जिम्मेदारी दिया था, सब अंदर जाने के लिए और पूजा करने के लिए सबको एक ही साथ। और बहुत सुभाष चंद्र बोस जी से वो अट्रैक्ट थे। जब सुभाष चंद्र बोस जी पार्टी शुरुआत किया था फॉरवर्ड प्लग, वो टाइम में तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट बनाए मुत्तुरामलिंग जी को और मुत्तुरामलिंग जी एमपी भी बने थे 1957 में। और उनको एक बार 10 मिनट के लिए लास्ट जो सत्र क्लोज होने वाला था वो टाइम में भाषण देने का मौका दिया था। उसने जो हिसाब से भाषण दिया था इंग्लिश में पूरे दुनिया हैरान हो गए थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनका पुण्यतिथि भी वो जो 1963 में यही दिवस में उसका देहांत भी हो गया था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका जितना भी प्रॉपर्टी सब था वो सारे गरीब का वो ग्राम का गरीब वालों को लिख के दे दिया था। वो शादी भी नहीं किया था, वो कोई सभी को इक्वल कर इक्वली सोचता था। बस इतना ही कहना था। आज के दिवस में सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।